आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं SBI बैंक का आधार कार्ड से पैसे निकासी के बारे में। जितने भी SBI का ग्राहक है और आधार कार्ड से पैसे की निकासी करते हैं तो उन ग्राहक को पैसे की निकासी नहीं हो रहा होगा और फेल का ऑप्शन आ रहा होगा या तो 30 मिनट का वेट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो उन सभी ग्राहक को एक काम अनिवार्य करना होगा, तभी वह आधार कार्ड से पैसे की विड्रावल कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की जानकारी आपको समय से मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आधार कार्ड से पैसे की विड्रावल करने के लिए AEPS का उपयोग होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो NPCI के लिंक से काम करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो NPCI वाले ने फिलहाल SBI वाले ग्राहक को ये अनिवार्य कर दिया है कि अगर आपका मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक है तो ही आप आधार कार्ड से विड्रावल कर सकते हैं। यानी अगर आपका मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर से लिंक रहेगा तो ही आपके पास AEPS का ऑप्शन आएगा, यानी आप आधार कार्ड से विड्रावल कर सकते हैं। अन्यथा आपको आधार कार्ड से विड्रावल नहीं होगा। तो SBI वाले ग्राहक को कोई एक मोबाइल नंबर अनिवार्य जुड़वा लेना चाहिए ताकि आपका AEPS चालू हो जाए। वो मोबाइल नंबर फिलहाल बंद रहे या चालू रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आधार कार्ड से विड्रावल होगा। तो जितने भी SBI वाले ग्राहक हैं और अगर चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड से पैसे की निकासी होता रहे तो कोई एक मोबाइल नंबर अनिवार्य जुड़वा ले ताकि आपका AEPS एक्टिव रहे और आप कहीं भी आधार कार्ड से पैसे निकासी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना चाह रहे थे कि आप अपने SBI अकाउंट में कोई एक नंबर जुड़वा लें ताकि आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम चालू रहे, जिसके जरिए आप कहीं भी आधार कार्ड से पैसा निकाल सके।